दोस्तों आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रतिशत से एक प्रश्न लेकर आए हैं। यदि राम की आय 30% 1200 है, यानी 30% बराबर है 1200 के, तो राम की आय का 75% कितना होगा। ठीक है, तो प्रश्न में दिया गया है राम की कोई आय है, ठीक है, आय कितना भी कमाते हो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर यह बताया गया 30%, ठीक है, 30% का मान दिया गया है 1200 रुपये। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया 30% 1200 है, तो राम की आय का 75% कितना होगा। अब पूछा गया है 75% बराबर कितना होगा, या कैसे निकालेंगे। यहाँ 30% बराबर इतना है, तो 1% बराबर आप पता कर सकते हैं यहाँ से, तो यानी 1200/30 हो जाएगा। एक जीरो यहाँ कटेगा, एक जीरो यहाँ कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और एक जीरो बच गया 40, यानी 1% का मान कितना निकल के आया, 40। ठीक है, 40 निकल के आया, हम इस तरीके से पता कर लेते हैं। और 75 का पूछा गया था, अब अगर कुल इसकी आय अगर पूछता तो हम यहीं से 100% का मान निकाल सकते थे। तो यहाँ पर 1% के बराबर कितनी वैल्यू थी, 40, और गुणे हम 100 से यहाँ पर कर देते तो कुल मिलाकर हमारा निकल के आता 4000। ठीक है, तो 4000 उसकी कुल है। अब 4000 से निकाल सकते हैं, अब डायरेक्ट यहाँ हम 75 निकाल सकते हैं, तो 1% बराबर कितना है, 40, तो भैया 75% बराबर कितना हो जाएगा, तो 1% की 40 थी और इधर हम 75 से गुणा कर देते हैं। जब 40 और 75 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा, 4 5 20 का जीरो हंसला है 2, 4 7 28 2 30, यानी कुल मिलाकर आपका आंसर आ गया कितना, 3000। ठीक है, तो 75% का मान पूछा गया था, कितना निकल के आया, 3000। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 75 का पूछे चाहे 60 का पूछे या 50 का पूछे। ठीक है, 1% का मान यहाँ से निकाल लीजिएगा, जितने का पूछे उतने में रख दीजिएगा, 75 का पूछा था, 75 में हमने रख दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारा अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।